LCD मिल जाता है, क्या ही चाहिए। इसमें स्पीकर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं साइड में इसमें स्पीकर भी दिया हुआ है। सबसे अच्छा बात इसमें ना IMAX टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। अब IMAX टेक्नोलॉजी होता क्या आप लोगों को बता दें। स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। फाइनली महिंद्रा का 2 टन वाली जो पासिंग गाड़ी है वो लॉन्च हो चुका है और काफी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे भाई कब लॉन्च होगा और आपके चैनल पे कब वीडियो आ गया, क्योंकि बहुत लोगों ने वीडियो अपलोड भी कर चुका है, हम थोड़ा सा लेट हो गए उसके लिए सॉरी। देख सकते हैं 2 टन, ठीक है 2.0L, ठीक है और HD, तो ये लॉन्च हो चुका है फाइनली। आप लोग जाके अपने नियर बाई कंपनी में इसका बुकिंग ले सकते हैं। तो गाड़ी कुछ ऑल ओवर दिखा सकते हैं, इस तरीके का है। ढाला का बात करेंगे, चौड़ाई का बात करेंगे, लंबाई का क्या है, सामने में क्या क्या मिल जाता है, इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है, हर एक चीज आपको लेके बताने वाले हैं। एंड इस ब्लॉग को कहीं से कंटिन्यू करते हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, जिसको इसको नहीं पता है कुछ कमेंट में पूछना हो तो पूछिए, रिप्लाई भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो पहले बंपर से शुरू करते हैं। तो बंपर आप देख सकते हैं मेटल बंपर मिल जाता है जो कि काफी मस्त है, और यहाँ पे देख सकते हैं लाइटिंग के लिए मिल जाता है, मतलब ये एक्चुअली जलता नहीं है, सामने से कोई अगर रात को लाइट मारेगा तो अच्छा खासा ये चमकेगा। देख सकते हैं यहाँ पे भी मिल जाता है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइबर का मिल जाता है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहाँ पे देखिए महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, और आप लोग बोनट तो देख ही रहे हैं, ये न्यू वाला मैक्स बोनट है, देख सकते हैं यहाँ पे बोलेरो मैक्स पिकअप के नाम से है। 2 टन इसका पासिंग है, ठीक है देख सकते हैं कुछ गाड़ी का लुक इस तरीके का है। भाई गाड़ी का लुक का बात करें तो गाड़ी का लुक काफी शानदार, काफी बेहतरीन है यार। तो फिलहाल इसका बोनट अगर खोल रहे हैं, बोनट खोल के अच्छे से आप लोग को बताएंगे इंजन का CC अगर क्या मिलता है। बात करें इंजन का तो भाई 80 हॉर्स पावर 2523 CC का एक पावरफुल इंजन मिल जाता है जो कि M22i इंजन में आता है। और देख सकते हैं यहाँ पे लाइट भी दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, कुछ अगर रात को खराब हो गया इंजन अगर बनाना हो तो यहाँ पे लाइट चालू करके आप काम कर सकते हैं, टॉर्च अगर नहीं दिखाना पड़ेगा। और इंजन का बात करें तो काफी अच्छा इसमें स्पेस भी मिल जाता है। देखो भाई हम कोई बहुत बड़े रिव्यूअर नहीं है, लेकिन हाँ हम आप लोगों को अपने हिसाब से समझा देते हैं और आप लोग समझ भी जाते हैं, क्योंकि भाई हमारा जो रिव्यू का तरीका ना कुछ देसी स्टाइल से हम रिव्यू करते हैं गाड़ी का, देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छे स्पेस मिल जाता है, और एयर फिल्टर यहाँ मिल जाता है, ब्रेक ऑयल यहाँ मिल जाता है, शीशा साफ करने के लिए पानी यहाँ मिल जाता है, और यहाँ कूलेंट मिल जाता है देख सकते हैं, और यहाँ स्टेयरिंग का ऑयल मिल जाता है जो कि बैटरी यहाँ पे है, और साइड में लगा हुआ है हर एक सामान देख सकते हैं, काफी हैवी M22i इंजन मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे टर्निंग सेफ लाइट भी मिल जाता है, रात को अगर कभी गाड़ी घुमा ली झटके में तो अपने आप ये जलने लगता है, ठीक है। बात करें इस साइड में तो इस साइड में कुछ इसी तरीके मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहले आता था ना फाइबर वाला उससे ये काफ़ी मजबूत है, देख सकते हैं ये देखिए काफ़ी मजबूत है। हम तो भाई ठोक ठाक के दिखाते हैं, क्योंकि भाई हम बोले पहले कि भाई गाड़ी वाले हैं और गाड़ी वाला अपने हिसाब से रिव्यू करता है आप लोगों को बताता है, ठीक है। ये देख सकते हैं काफ़ी हैवी है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा कट मिल जाता है, देख सकते हैं पहले क्या होता था कि ये टूटने का ज़्यादा संभावना होता था, लेकिन अब ये टूटने का संभावना कहीं से है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ अलग लेवल का बनाया गया है, कहीं टूटने का कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो मैक्स पिकअप का एक अच्छा बड़ा सा लोगो मिल जाता है, साइड में यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है। बात करें टायर का तो भाई इसका टायर 16 इंच का है यार, 15 इंच का पहले बुलेरो पिकअप में आता था, लेकिन इसका 16 इंच का टायर है, और अपोलो का टायर मिलता है विद रेडियल टायर है, ठीक है। तो 16 इंच का टायर, पासिंग का बात करें 2 टन का इसमें आपको पासिंग मिल जाता है जो कि काफी तगड़ा वाला पासिंग होने वाला है। और चलते हैं अंदर का क्या क्या मिल जाता है, अंदर में दिखाते हैं आप लोग। देख सकते हैं पैर रख के चढ़ने के लिए एक बड़ा सा आपको सीढ़ी मिल जाता है, एक्चुअली जो रिव्यूअर होते हैं वो अपने हिसाब से कुछ इसको और चीज बोलते हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे भाई पैर रख के चढ़ने के लिए सीढ़ी ही बोलते हैं भाई। तो चलते हैं अंदर, देख सकते हैं केबिन में सबसे पहले स्पेस बता दे भाई, स्पेस बुलेरो में शुरू से ही अच्छा खासा देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको ब्लोवर मिल जाता है, देख सकते हैं अभी चालू करके दिखा रहे हैं आप लोग, देखिए ठीक है आवाज सुनाई दिया भाई, देखो काफी अच्छा इसमें हवा भी आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 भाई ब्लोवर इसमें मिल जाता है, LCD मिल जाता है, क्या ही चाहिए। शीशा देख सकते हैं यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे देखिए धूप अगर हो है इसको लगा लीजिए, और ये पहले ना पर्दा आता था, पर्दा नहीं रह गया यार, इसको ब्लोवर बंद करते हैं, अब पर्दा नहीं दिया है, अब ये अच्छा खासा एक फाइबर कह सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इतना हैवी है, और यहाँ पे पकड़ने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये किस लिए दिया हुआ है भाई, ये भी एक कह सकते हैं पकड़ने के लिए दिया होगा, ठीक है। पीछे का बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे खोलने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बात करें स्पेस का, स्पेस काफी अच्छा दिया हुआ है, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है आपको, डिजिटल मीटर मिल जाता है आपको, क्या ही चाहिए भाई, ये देखो भाई डिजिटल, ठीक है ये देखो क्या ही चाहिए। करें सीट का तो इसमें देखिए ड्राइवर के अलावा 2 लोग इसमें और भी आराम से बैठ सकते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस दिया।
अभी पीछे का तो जलवा बाकी ये दिखाया नहीं, साइड में आपको एक बम्पर मिल जाता है जो कि उस साइड में मिलता है और इस साइड मिलता है। देख सकते हैं पीछे आप लोगों लेके आते हैं तो पीछे भी एक अच्छा खासा बड़ा सा बम्पर मिल जाता है। पीछे से लगता है भाई कोई बड़ा गाड़ी का लुक, ठीक है, क्योंकि 2 टन का पासिंग है। बात करें पीछे लाइट तो ये भी भाई डिजिटल है, ठीक है, देख सकते हैं काफी अच्छा देखने में लग रहा है। और बात करें पीछे सेंसर का तो 1 और 2, टोटल 2 इसमें सेंसर मिल जाता है। बात करें ढाला का लंबाई का, तो ढाला का लंबाई का जो लंबाई है वो 10 फीट का लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई का बात करें चौड़ाई मिल जाता है 5.9 का इसका चौड़ाई मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार है यार। कैरेट अगर लोडिंग करके लोडिंग गाड़ी को लेके चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप जा सकते हैं कहीं पे। भाई अगर ऊंचाई का बात करें ना तो 2.1 का इसका ऊंचाई मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छा खासा ऊंचाई है। इसके ऊपर अगर बनाना चाहते हैं तो काफ़ी आपको ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है, ठीक है, लेने के बाद बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, बस लीजिए थोड़ा सा बनवाइए और चलो। भाई बात करें कमानी का, आप लोग पूछते हैं कमानी कितना मिलेगा, भाई कमानी इसमें दिया है पीछे 10 और आगे 7। और यहाँ पर बात करें स्टेपनी रखने के लिए, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन दे दिया है, जो कि पहले गाड़ी में टूट जाता था, अब ये टूटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इसको चेचिस में देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से लगा के दिया गया है। तो ये देख सकते हैं जो कि पहले का गाड़ी रखे होंगे उनको पता होगा, और अभी का गाड़ी में ना बहुत सारा चीज़ें चेंज हो चुका है, देख सकते हैं कमानी पहले हम लोग को दूसरा वाला मिलता था, अभी ये वाला कमानी मिल रहा है। बात करें ये कीचड़ रबड़ का, तो कीचड़ रबड़ वही सेम आ रहा है, और देखिए चेचिस में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ठीक है, पासिंग बढ़ाया गया है तो चेचिस में भाई बदलाव तो करना ही। बात करें साइड शीशा का, तो भाई साइड शीशा का ना चौड़ाई लंबाई काफ़ी अच्छा है, गोल मटोल कर दिया है, देख सकते हैं ये देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, प्यारा सा, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ना आराम से आप पीछे तक देख सकते हैं क्या हो रहा है। भाई सबसे अच्छा बात इसमें ना IMEX टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। अब IMEX टेक्नोलॉजी होता है कि आप लोगों को बता दें, जैसे मान लीजिए हम मालिक हैं, ये गाड़ी खरीद के किसी ड्राइवर को देते हैं, कोई ड्राइवर ड्राइव करके चला रहा है तो कितने का माइलेज दे रहा है, कितना लीटर गाड़ी में तेल है, गाड़ी कितने की स्पीड से चल रही है, गाड़ी आपका कहाँ पे है, हर एक चीज़ अपने फ़ोन से आप किधर से जाना है, रूट भी आप ड्राइवर को बता सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ आप कवर कर सकते हैं। एक मुझे महिंद्रा की तरफ से सेल्समैन मिला हुआ है, अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो भाई साहब से हम पूछ ले रहे हैं, इनका चेहरा नहीं दिखा सकते लेकिन कुछ अगर गड़बड़ी हो रहा है तो इनसे हम पूछ ले रहे हैं, ये हमें भैया अच्छे से बता भी दे रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी देर से हम सुन रहे थे आखिर दिया क्यों हुआ है, तो देखिए हम लोग ड्राइवर हैं, हम लोगों को चढ़ना होता तो पहले स्टीयरिंग पकड़ते थे और ये पैर रखते थे, ये चढ़ते थे, ठीक है, ये चढ़ गए, अभी कैसे हम लोग चढ़ेंगे देखिए, अभी अगर चढ़ना होगा तो ये हम लोग यहाँ पकड़ेंगे जो कि काफ़ी हैवी है, पूरा गाड़ी हिला दे रहा है, ये देख रहे हो भाई पूरा गाड़ी हम हिला सकते हैं, इससे इतना मजबूत है। ये पकड़ना है, ये पैर रखना है यहाँ पे और ऐसे चढ़ जाना है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें लगा ये वाला। इसमें स्पीकर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं साइड में इसमें स्पीकर भी दिया हुआ है जो कि आप इससे बजा सकते हैं, ठीक है, और बज भी रहा था, अभी बंद करके रखा है मैंने। भाई साहब बात करें माइलेज का, गाड़ी तो ले लिया, हर एक चीज़ बनवा लिया, लेकिन माइलेज कितने का देगा, 13.7 का माइलेज देगा। हालांकि देखिए कंपनी बोलता कुछ है लेकिन हम लोग देखिए लोडिंग लेके कुछ चलते हैं, ठीक है, तो माइलेज आगे पीछे हो सकता है, उसको लेके आप कमेंट मत करना कि भाई BDM भाई आपने माइलेज इतना बोला था, गाड़ी लेने के बाद इतने माइलेज दे रहा है, तो भाई गाड़ी कंपनी 2 टन का पासिंग दे रहा है, आप भी 2 टन लेके चलिए तो माइलेज उतना ही का देगा, ठीक है, 60 के ऊपर चलने कंपनी मना करता है, हालांकि 80 स्पीड तो लिमिट दिया होता है लेकिन 80 काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है, ठीक है, 80 चलाएंगे 2 टन लेके तो भी ठीक ठाक माइलेज दे देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोडिंग सब्जी लोडिंग करके 80 भगाएं और हम 13 का माइलेज ले, कभी ज़िंदगी में नहीं देगा, हम लोग का 10 का देता है भाई, तो आपका 13 का कहाँ दे देगा, ठीक है, तो आराम से चलाएंगे तो 12 से 13 का माइलेज निकाल। एक बार आपको ढाला खोल कर दिखा देते हैं इसका कितना चौड़ाई मिल जाता है, देख सकते हैं आप, ये देखिए बस इधर आ जाइए हल्का सा, देख सकते हैं आप पे एक हाथ, ठीक, 2 3 4 मतलब 3.5 से ऊपर इसका जो है चौड़ाई मिल जाता है, मतलब 5 फीट 6 9 5 9 का इसका जो चौड़ाई है वो मिलता है, और लंबाई का बात करें तो 10 लंबाई मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब कैरेट अगर आप आराम से कंफर्टेबली इसमें रख सकते हैं। भाई अभी इस गाड़ी को चला के दिखाने वाले हैं कि चलने में कैसी है, हम तो चला चुके हैं लेकिन आप लोगों को दिखाएंगे चला के आखिर चलने में कैसा है, तो पहले बंद करते हैं ढाला, मतलब पहले इंजन का बोनट बंद करते हैं। फिलहाल भाई जा रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट करके चलाने के लिए, कैसा आवाज कर रहा है बस कुछ सेंसर पे आवाज करने लगा था, तो देख सकते हैं भाई गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चलने में काफी अच्छा है भाई,
तो ये भाई 2.0 जो कि मैंने ड्राइव किया, रिव्यू किया, कैसा लगा आप लोगों को गाड़ी कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसने किसने बुक किया ये भी कमेंट करके बताइए आप सब। चलिए गाड़ी को लेकर इधर आ चुके हैं और यहाँ पे लगा एक टेंट देख सकते हैं, क्योंकि इसका आज हो रहा है प्रचार अच्छा खासा वाला। और ये अपना पहाड़िया मंडी यहीं पे आया हुआ है, लगा है टेंट। एक गाड़ी इधर लगा है, इसका रिव्यू तो आप लोगों को मैंने कंपनी के अंदर में ही दे दिया था। ये है भाई 1.7 जो कि पहले ही आप लोगों को इसका पूरा फुल वीडियो मिल गया होगा। और इधर है भाई 2.0L और इसके बगल में लगा हुआ है 1400 क्विंटल का पासिंग वाली गाड़ी। अगर इसका रिव्यू चाहिए आप लोगों को तो आप लोग कॉमेंट करिए एंड इसका भी रिव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। ये सिटी के नाम से आता है, 1400 किलो का पासिंग इसका मिल जाता है। फिलहाल मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।